संवादों में अमरनाथ की गुफा में भोले बाबा ने पार्वती को कथा सुनाई है। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुनाई, जिसमें मुख्य श्रोता शौनक जी हैं। सनत कुमारों ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ में हरिद्वार में नारद जी को कथा सुनाई। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के साथ पूरे ग्रामवासियों को यह कथा का श्रवण कराया, प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए। यह कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, अपने पितरों के कल्याण के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये है, वह संतान, आवाज फट रही है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि वह संतान सबसे उत्तम है जो अपने माँ बाप को जीते जी कथा का श्रवण कराए। जिंदे रहते रहते एक बार परीक्षित बना दे, लेकिन हालात मान लो ऐसे न हो, कोई कारण से हम क्षमतावान न हो और हमारे माँ बाप शरीर का त्याग कर गए हों और हम में बाद में क्षमता आई हो, तो मन में एक अफसोस रहता है कि आज हमारे माँ बाप होते तो हम उन्हें कथा श्रवण कराते। तो ऐसी परिस्थिति में पितरों का आह्वान करके, पितरों के प्रसन्नता के लिए, जिन घर के पितृ दोष जिन घरों में होता है, पितर जहाँ के असंतुष्ट होते हैं, उस घर में कभी शांति नहीं रहती। कभी कभी तो पितृ दोष के कारण क्या होता है, घर में कोई बात नहीं होती और बिना बात झगड़ा होता है, और दोनों से पूछा जाए कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे थे, बोल बात कुछ नहीं है। अरे बोले फिर लड़ाई क्यों हो रही है, बोले ये मानता ही नहीं है।
और दूसरा कह रहा कि तुम क्यों लड़ रहे, बोले ये नहीं मानता, बोले बात तो कुछ हो, जब बाद में समझ में आई तो बात कुछ इतनी वैसी हो रही थी बिना बात। वो जब असंतुष्ट होते हैं तो बुद्धियों पर कलह छाता है, उस पितृदोष को नष्ट करने के लिए यह कथा अपने पितरों को श्रवण करानी चाहिए। इसलिए प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भैया गोकर्ण जी महाराज ने यह कथा अपने भाई धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उसको सुनाई और उसका कल्याण हो गया। भगवान के पार्षद स्वयं विमान लेकर के उसे लेने आए, और जो घर में कलेश फैला रहा था, कभी हाथी बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, उसका कल्याण हुआ, पितर संतुष्ट हुए। और भैया पितृदोष हो तो भी यह कथा कल्याण करती है, और संत अपराध बन जाए उससे भी यह कथा मुक्त करती है। परीक्षित से क्या बन गया, संत अपराध बन गया। परीक्षित जी जंगल में गए, और जंगल में जाकर एक ऋषि को उनके द्वारा अपमान हो गया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उस ऋषि के पुत्र ने शाप दे दिया कि जा आज से सातवें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा। अब क्या करें, तो परीक्षित जी महाराज घरवार को छोड़कर के गंगा के किनारे पर एक बरगद के नीचे परमात्मा के शरण होकर के बैठ गए। परमात्मा ने अनेकों ऋषि मुनि संत महात्माओं को प्रेरणा की, और सब ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पधारे, और सबसे पीछे सुखदेव जी महाराज भी वहां आए। और जैसे वो आए परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा कल्याण करो, मुझसे संत अपराध हुआ है, मुझसे ऋषि अपराध हुआ है। सुखदेव जी ने चबूतरे पर बरगद के नीचे चबूतरे पर बैठ करके अपनी प्रसन्नता जाहिर की, और संत किसी पर, महापुरुष किसी पर प्रसन्न हो जाए फिर उसके जीवन में कोई अपराध रहता नहीं, सारे अपराधों को खा जाता है साधु का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद। परीक्षित जी ने कहा भगवान अब आपका दर्शन हो गया, आप मुझे सामने बैठे हो, अब मुझे क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, आप बताइए मैं क्या करूं। वर्यान एषः ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भगवान मेरे जैसे काल के ग्रास बने हुए व्यक्ति को इस काल से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद भागवती वार्ता, ये भगवान की कथा ही ऐसी है जो काल के ग्रास में जाते हुए व्यक्ति को छुड़ा लेती है। कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में ये सारे दोषों से बचा लेती है। तो आप मुझे सुनाएंगे, बोले जरूर। पहले सुखदेव जी महाराज ने बताया कि यदि अनेकों साधन व्यक्ति करे तो सबसे पहले आदमी का आसन सिद्ध होना चाहिए, 3 घंटा 36 मिनट। जो व्यक्ति एक आसन पर लगातार बैठ जाएगा वह योग मार्ग में सफल हो सकता है। लेकिन मैं अपने श्रोताओं से नहीं कहूंगा कि 3 घंटा 36 मिनट पालती मार के बैठो, तुम तो चाय जैसे बैठो, आराम से चिंता मत करियो। कथा ऐसी है जो ये कहती है कि तू चाय जैसे बैठ जा, नहा के आ चाहे मत आ, खाए के आ चाहे मत आ, चाहे पालती मार के बैठ, चाहे पालती पांव फैलाए के बैठ, पर तू कथा सुन ले, मैं कल्याण कर दूंगी तेरा, है चाय जैसे बैठो बस। और सुनो, किसी को यदि ज्वेलक्स खानी पड़ती हो, नींद की गोली खानी पड़ती हो, घर में नींद नहीं आती हो, वो कथा में आ जा, आराम से
कमरे टेक लो कहू खम्मा थे और खूब कर्राटे मारे के सो, टेंशन मत लेना। कथा में आके सो भी जाओगे तो भी घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा, कथा में ही तो सो रहे हैं, हैं? संसार से तो बढ़िया है। अरे जब कभी नींद खुलेगी तो कोई शब्द तो कान में, अरे मैं परिचित है बालकों खिलाने के लिए लिया आते हैं और नींद आ जाती तो मैं स्टेज पर ला के सुला देते कि यहाँ सो बाबा के पावन हो, बढ़िया ही है कछु न कछु तो, क्योंकि बालक आंखने के सामने होंगे तो कथा तो ध्यान से सुनेंगे। यदि बालक घर में हो और बाबा यहाँ बैठे हो तो बाबा को ध्यान कथा में नहीं रहेगा, बाबा को ध्यान तो नाथी पर चले जाएगा। हैं तो आप चाहे जैसे आओ चाहे जैसे बैठो कथा सुनो। देखो नियम कायदा कानून तो मंदिर में जाने के लिए होते हैं, कहीं मंदिर में जाओ बड़ी मंदिर में तो नियम कायदा कानून, बोले चमड़े की बेल्ट बांध दिया हटाओ, मोजे पहने थे उतारो, पांव धो के आओ और नहा के आए कि नहीं आए, 50 कायदे बताएगा वो। लेकिन गंगा मैया में जाओ और तुम कूद पड़ो न, मैया कह रही कि तू जूता उतार दे के मोजा उतार दे के बेल्ट उतार दे, वो तो कहती है तू आ जा मैं तेरे को पवित्र कर दूंगी, ठंडा कर दूंगी और शुद्ध कर दूंगी। और ये गंगा ही तो है, ये हमारी माँ है, ये कहती है तुम चाहे जैसे हो आ जाओ, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं तुमसे कहूँ कि तुम पवित्र हो के आओ, अरे पवित्र होने ही तो आए हैं, अब पवित्र होने कहाँ जाए, पानी से कोई पवित्र नहीं होता, विचारों से पवित्र होता है, भावों से पवित्र होता है, थिंकिंग जिसकी बढ़िया है, थिंकिंग खराब है तो नहाते रहो। यदि पानी से पवित्र होते तो मछली तो बैकुंठ को चली गई होती, कछुआ बैकुंठ को चले गए होते, हैं? पानी से पवित्र नहीं होते, हैं? विचारों से पवित्र होते हैं, भावों से, श्रद्धा से, प्रेम से पवित्र होते हैं, और वो कथा अपने आप कर लेती है। भावों में पवित्रता, विचारों में पवित्रता, हैं? अपने कर्मों में पवित्रता, कथा करा लेगी। एक बार राजस्थान में मेरे गुरु जी का आश्रम था सरेंदी के पास में, तो वहां में जब गया गया था शुरू में, दो चार महीने हुए होंगे मुझे गुरुजी के सानिध्य में, तो 5-7 लोग आए रात्रि में पहुंचे, उन्होंने गेट से आवाज लगाई कि महाराज केवार खोलो, रात्रि थी दिखाई नहीं दे रहा था, तो गुरुजी ने दूर से आवाज लगाई कि भाई कौन है, कौन है, तो उन यात्रियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले महाराज यही पता लगाने आए हैं कि हम कौन हैं, यही पता लगाने आए, यही जानने आए हैं कि हम कौन हैं। गुरुजी ने कहा कोई बहुत अच्छा जिज्ञासु है, अंदर ले आओ। मैं गया गेट खोला, वो अंदर आए, गुरुजी को प्रणाम किया, बोले महाराज हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम हैं कौन, हम यही तो पता लगाने आए हैं, आप ही बता सकते हो कि हम कौन हैं। बोले ठीक है अब कल बताएंगे, अब आराम से सो जाओ फिर से बता। तो हम जहां पता लगाने आए कि हम कौन हैं और वो ही पूछे कि तुम कौन हो, क्या मतलब हुआ। ऐसे ही यहाँ हम पवित्र होने आए हैं, शुद्ध होने आए हैं, अच्छे होने आए हैं, और मैं तुमसे कह दूं कि नहीं पवित्र हो के आओ, शुद्ध हो के आओ, जब यहीं शुद्ध होने आए तो अब जाए कहाँ। ये गंगा है, यहाँ सब पवित्र होते हैं, यहाँ सब शुद्ध होते हैं। बाप कहता है बच्चा गंदा हो तो दूर से क्या कहे, हट हट चल मम्मी के पास, मम्मी के पास जा, गंदा है ना उसके, उसने शौच इत्यादि कर दिया। जैसे मम्मी के पास जाओ, मम्मी के पास जाने लगा, मम्मी भी कह देगा गंदा है चल पापा के पास जा, तो बेचारा वो कहाँ जाए, हैं? आगे कुआं पीछे खाई दोनों तरफ से आपत्ति आई। तो माँ कभी नहीं कहती कि तू पापा के पास जा, जितना गंदा हो, कितना भी बेकार हो, कितना भी लतपत हो कीचड़ में, हैं? माँ कहती है आ जा, और उसे पकड़ करके ऐसा शुद्ध करेगी, नवाएगी, दुवाएगी, हैं? और बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के बच्चे की, और एक वो लगा देगी माथे पे, क्या लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हो कुछ लगाते हैं ना काला काला, हाँ वो लगा देगी,
उसके बाद फिर उसे गोद में लेके फिर बाहर डो लेगी, पापा से नहीं कहेगी कि उसके से ले लो, लगा के देगी, फिर जब सुंदर लग रहा हो तब पापा को आ जा चिंटू, अब वही कह रहा है कि आजा आजा। ऐसे ही एक कथा है, सुंदर श्रृंगार करती है जीव का, प्राणी का, मनुष्य का, है? और जब वो शुद्ध हो जाता है फिर सारी दुनिया के लोगों से फिर कहते हैं आजा 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 आजा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो यूं ही पड़ा था इस गंदगी में पहले, दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा, अब तो भरी सभा में वही पूजते हैं पहले, जो फटकारते थे वही पूजा करते हैं। भैया सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, अनेकों अनेकों प्रश्नोत्तर हुए, अनेकों योगों के बारे में बताया, कर्मों के बारे में, निर्गुण निराकार के बारे में, 24 लीला अवतारों की कथाएं, और सुख परीक्षित जी बड़े प्यार से सुन रहे। सुखदेव जी ने कहा कि इतना अच्छी तरह तू सुन रहा है, और एक राजा होकर के, आजकल कोई छोटा सा कोई प्रधान या मंत्री आ जाए उसको फुर्सत नहीं है कथा सुनने की, और कथा में समझता भी नहीं, कुछ आ भी जाए चक्कर में आ जाए कि हमारी किसी परिवारी के किसी किसी हमारे संबंधी की यहाँ कथा हो रही है, उसे आना भी पड़े तो आ जाता है बेचारा मजबूरी में, लेकिन ध्यान यहाँ नहीं रहता है, कौन सी मीटिंग करनी है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ध्यान नहीं रहता। लेकिन सुखदेव तो एकदम परीक्षित जी एकाग्र होकर के कथा सुन रहे। सुखदेव जी ने कहा राजन ये तुम्हारे अंदर जो सुनने का गुण है ये तुम्हारे बाप दादाओं से तुम्हें मिला है, तुम्हारे ही पूर्वज विदुर जी महाराज घर परिवार को छोड़ करके और मैत्री जी के पास में कथा सुनने गए थे, और मैत्री जी ने उन्हें यह कथा सुनाई थी, दुर्योधन की उल्टी सूदी बातों को और बेकार स्वभाव को सुन करके उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और वो मैत्री जी के शरण में बैठे, उन्होंने भी ये कथाएं सुनी। अच्छा उन्होंने भी कथाएं सुनी, बोले हाँ, और उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि मेरा जन्म, विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि मेरा जन्म ऐसे खानदान में, ये खानदान भी बड़े अच्छे कर्मों से मिलता है, पड़ोसी भी अच्छे कर्मों से मिलता है, अच्छा पड़ोसी मतलब बुरा तो अच्छे कर्मों से नहीं मिलता, लेकिन अच्छा पड़ोसी अच्छे कर्मों से मिलता है, अच्छा गांव भी अच्छे कर्मों से मिलता है, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, अच्छा खानदान, अच्छा गांव, अच्छा पड़ोसी, ये अच्छे कर्मों से मिलते हैं। यदि कर्म ठीक न हो तो ऐसे गाँव मिल जाते हैं कि जीना दुश्वार हो जाता है, छोड़ के सुखो आबादी मकान बनाना पड़ेगा, है बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना। तो ऐसे ऐसे कौरव, ऐसे कौरव इस दुर्योधन जैसे लोगों के बीच में मुझे जन्म क्यों मिला, विदुर जी ने पूछा। मांडव्य तब मैत्री जी ने बताया हे विदुर जी तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो धर्मराज के अवतार हो। धर्मराज के अवतार? बोले हाँ। बोले फिर मैं मेरे को याद क्यों नहीं है? बोले ये मृत्यु लोक का नियम है, मृत्यु लोक का ये नियम है कि यहां जो भी आएगा वो अपने आप को भूल जाता है, कोई 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 बिरला याद रख पाता है कि मैं पहले जन्म में कौन था। यदि आप इस शरीर को छोड़ोगे अगले जन्म में जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम कौन थे, अभी समझ में नहीं आएगा, तुम धर्मराज के अवतार हो। बोले मैं धर्मराज और फिर यहां ऐसे खानदान में क्यों? तब बताया मैत्री जी ने कि मांडव्य ऋषि जो थे उनके प्रति तुम सच्चा न्याय नहीं कर पाए। एक राजा के राज्य में चोरी हो गई और वे चोर के पीछे पुलिस भाग रही थी, तो वो चोर उस धन को मांडव्य ऋषि के आश्रम में छोड़ करके भाग गए। अब चोर सामान जहां मिलेगा तो पुलिस तो उसी को पकड़ेगी, मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया, राजा ने उसे सूली की सजा दे दी,
मांडव्य ऋषि को। अब सूली की सजा दे दी, लेकिन सूली तो मांडव्य ऋषि का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई। एक बार दो बार, ये कूलर बंद हो गया। एक बार सूली, दो बार सूली, तीन बार। अब जब देखा कि सूली असर ही नहीं कर रही है, तो राजा घबरा गया और आके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज क्षमा करना, आप कोई साधारण नहीं है और मुझसे गलती हो गई, आप सही से बताइए बात क्या है। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुझे कोई साप नहीं और मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, ये मेरे जीवन में लिखा किसने है लिख कि मुझे सूली की सजा होनी चाहिए। तो उसी शरीर से मांडव ऋषि और सीधे धर्मराज के पास। राजा का कोई दोष नहीं, बोले लिखा है जिसने वही तो मुझे मिलेगा, तुम तो निमित्त हो, कठपुतली हो समय के पासों की। सीधे धर्मराज को जाकर मांडव ऋषि ने गेट खटखटाया क्रोध में आकर के। मांडव ऋषि ने कहा कि मुझे कई जन्मों की याद है धर्मराज, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़े, ये मेरे कौन से कर्म की सजा थी मुझे बताया जाए। धर्मराज ने बुलाया विचित्र को, चित्रगुप्त को, बोले इसका खाता लाया जाए। जब वही खाता लाया गया तो उसमें लिखा था कि बचपन में 12-13 साल की आयु में मांडव ऋषि ने तितलियों को पकड़ करके उनके पंखों में कांटे छेदे थे। उनके पंखों में जो कांटे छेदे से उस पाप के परिणाम के कारण आपको सूली की सजा दी गई। मांडव ऋषि ने कहा धर्मराज तुमको अपने पद पर बैठने का अहंकार हो गया है और तुम अपने कायदा कानूनों को में इतने ढीले हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं कौन से कर्म की सजा क्या होती है। इतना तो मैं जानता हूं कि 16 साल से नीचे की उम्र में अबोध अवस्था में जो पाप कर्म होता है उस पाप कर्म का फल जागृत में नहीं स्वप्न में दिया जाता है। जो अबोध अवस्था में जो कर्म होता है उस कर्म का फल स्वप्न अवस्था में दिया जाता है, ये जागृत अवस्था में कब से फल मिलने लगा। धर्मराज के पसीने छूट गए, बोले मैं नहीं जानता था कि मृत्यु लोक पर भी मेरे संविधान के बारे में लोग जानते होंगे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्रोध में थे मांडव ऋषि, उन्होंने साफ दे दिया धर्मराज तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं तुम्हें साफ देता हूं तुम मृत्यु लोक में ऐसे खानदान में जन्म लोगे कि तुम्हें दिन और रात कांटे चुभेंगे, तुम्हें बाण चुभेंगे बाणी के और तुम अपने आप को निकाल न पाओगे, मेरा साप है जा। उस साप के कारण तुम विदुर बने हो। जब ये रहस्य खोला गदगद हो गए विदुर जी महाराज, बोले लेकिन भगवान अब ये तो बताओ कि उस नरक से मुझे छुटकारा कैसे मिल गया, मैं कैसे निकल आया। परिवार में से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब यहां जो बैठे हैं मेरे बड़े बूढ़े बैठे हैं बहुत, ये बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे भी बैठे होंगे जिनका घर में मन नहीं लगता होगा, घर अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन घर को छोड़ के जाना उसमें से उस जाल में से निकल पाना उनके भी बस में नहीं होगा। हजारों बार सोच सोच के रह जाते होंगे, हैं मूड बन जाता होगा, कभी कभी रात में बिस्तर भी बांध लेते होंगे, हैं लेकिन ऐसा जंजाल है कि निकलना बड़ा मुश्किल है। हजारों हजारों बातें कौंधने लगती होंगी कि वो फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, और बच्चों ये ऐसा हो जाएगा, मेरे बिना ये ऐसा होगा, हजारों बातें कौंध जाएंगी। इस जाल में से निकलना बड़ा मुश्किल है। इस जाल में से वही निकल सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए। भगवान अब ये बताइए कि मैं इस जाल में से निकल कैसे आया, जब इतना बड़ा मेरे ऊपर कोप था मांडव्य ऋषि का। तब मैत्रेय ऋषि ने कहा हे विदुर जी आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई है, परमात्मा की कृपा हो गई है। आपके घर में एक दिन भगवान आए थे ना। हाँ आए तो थे,
आपके यहाँ छिलके खाए थे ना? बोले खाए तो थे, वो तुम्हारे सारे कर्मों के फल को खा गए। कोई महात्मा या परमात्मा तुम्हारे घर में आके प्रसाद पा जाए तो समझना प्रारब्ध के जितने भी गलत कर्म है वो सबको खा जाता है और हमारा प्रारब्ध पवित्र और सुख सीधा सरल हो जाता है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम, महाभारत का श्लोक है, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति यो ही यस्य अन्नम अशनाति सतस्याशनाति किलविषम। किलविषम माने पाप, किलविषम माने दोष। तो ये आदमी के अन्न के आश्रित रहते हैं। और जब कोई महात्मा, कोई साधु, कोई परमात्मा, कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारे घर पे आकर के कहे कि मुझे भूख लगी है, समझना अब तुम्हारे बुरे दिनों का अंत होने वाला है। जब बुरे दिन आने वाले होते हैं तो गैया, पंछी, महात्मा, सज्जन लोग अपने आप तुम्हारा साथ छोड़ने लगेंगे पहले से। आपको पता है सुनामी लहर जब आई तो मौसम विभाग ने जान नहीं पाया, लेकिन वहां रहने वाले जो कीड़े मकोड़े पशु पंछी जो थे वो 15 दिन पहले पलायन कर गए थे। उन्हें एहसास हो जाता है। अरे हमारे गांव में ये बड़े बूढ़े माताएं पुरुष कहते हैं कोई कुत्ता रो रहा हो है? तो उसे फटकार देंगे, हट। हमने पूछा कि क्यों फटकार रहे उसे? अरे बोले गांव में कोई दुर्घटना होने वाली है, उसका संकेत कर रहा है। तो बोले संकेत कर रहा है उसे समझ लो, उसे फटकारने से थोड़ी दुर्घटना रुक जाएगी। तो हमारे बड़े बूढ़े ये जानते हैं कि पशु पंछी दुर्घटना का संकेत कर देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। तो जिस दिन कृष्ण भगवान तुम्हारे यहां प्रसाद पाके गए थे ना विदुर जी, उसी दिन तुम्हारे उन कर्मों का समापन हो गया, तुम्हारे घर में पांव पड़ गया परमात्मा का और तुम्हारे भाव से तुम शुद्ध हो गए, इसलिए तुम्हारा उस जंजाल से छुटकारा हो गया। इन बुरे घरों में, बुरे परिवारों में, बुरे खानदानों में जो हमारी जकड़न है वो हमारे बुरे कर्मों के कारण है। और जैसे ही बुरे कर्म खत्म हुए और वैसे ही हमारा पांव फ्री हो जाता है, भगवान निकाल लेता है। भगवान अब मुझे सृष्टि के बारे में बताओ, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये कैसे बनता है सब कुछ? तब परमात्मा के हृदय में ये प्रेरणा होती है कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तब नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी पहले सनत कुमारों को प्रकट किया, वे जंगल को साधना करने चले गए। उसके बाद उन्होंने रुद्र और रुद्राणी को प्रकट किया, उनसे कुछ सृष्टि बढ़ी लेकिन ठीक नहीं थी, वो बंद कर दी। उसके बाद 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वे भी साधना करने चले गए। उसके बाद 10 मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। इन्होंने कहा भगवान आपकी आज्ञा का हम पालन करना चाहते हैं, आदेश करो। और पुत्र वही है जो इस प्रकार से पिता के सामने हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहे और कहे आपकी आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि को बढ़ाओ। तब इन्होंने, इनसे 5 संतानें हुई, आकूति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकूति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ, करदम जी महाराज के 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। और उन्होंने, देवहूति ने अपने पुत्र करदम को, अपने पुत्र कपिल को भगवान को ही अपना गुरु बनाया और गुरु बना, अपने पुत्र को गुरु बना करके अपना कल्याण कर लिया देवहूति माने। इस भारत की माताओं में ये ताकत है, ये शक्ति है, ये क्षमता है कि अपनी कोख से परमात्मा पैदा कर सकते हैं और उसके समर्पित होकर के अपना कल्याण कर लेते हैं। देवहूति के एक कन्या हुई, 9 कन्याओं में से, जिसने अपना विशेष नाम किया, इस देश में ही नहीं विदेशों में भी, विदेशों में नहीं ऊपर के लोकों में भी और नीचे के लोकों में भी। उस कन्या का नाम अनसुईया।
उसने इस भारत की धरती पर जन्म लेकर के ऊपर के लोगों के देवताओं को भी अपने बस में करके गोदी में खिला लिया और बच्चे बना दिया। उसी अनुसुईया ने चित्रकूट में एक बार अत्रि साधना से बहुत दिनों साधना करने के बाद जब जगे उठे उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है। अब दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था, अब मैं कहीं पानी लेने जाऊंगी तब तक पति को जाने कितनी प्यास लगे परेशानी हो। तो उन्होंने थोड़ी सी दूर चल करके माँ गंगा की प्रार्थना करी, अरे माँ हे गंगा माँ मैं कहाँ कहाँ आपको ढूंढूं, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति देव की सेवा की है, मेरा मन पवित्र है, तो आप यहीं प्रकट हो जाओ। और गंगा मैया वहीं प्रकट हो गई साहब चित्रकूट में, जिसका नाम पड़ा मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, वहीं प्रकट हो गई। गंगा को कई लोगों ने प्रकट किया है। गिरिराज जी की पूजा जब हो रही थी, पानी की जरूरत पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगा से प्रार्थना करी, अरे गंगा आप प्रकट हो जाओ। फिर वहां गंगा प्रकट हुई गिरिराज जी में, उसका नाम पड़ा मानसी गंगा। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में जब पिता में भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, उन्हें प्यास लगी, पांडव वहीं पर थे, तो प्यास जब लगी तो पिता में भीष्म ने कहा कि भैया मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिलाओ। तो पानी लेने के लिए भीम जाने लगे, तब पिता में भीष्म ने कहा रुको रुको, मैं और किसी पानी को पीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा अंतिम समय है, मैं चाहता हूँ मेरे मुख में गंगा का जल जाए, तो मुझे कोई गंगा जल पिलाए। बोले कौन पिलाएगा गंगा जल, कहाँ से लाए? तब पिता में भीष्म ने कहा कि मेरा चहेता, मेरा लाडला अर्जुन मुझे गंगा जल पिला सकता है। अर्जुन ने एक बाण मंत्रित करके जमीन में मारा और वहां से गंगा मैया प्रकट हो गई और पिता में भीष्म के मुख में धारा जाने लगी। उसका नाम पड़ा बाण गंगा। क्या बाण गंगा? मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास में एक जगह है, वहां पर गालब ऋषि ने साधना करी और गालब ऋषि साधना करते तो पानी पीने कहां जाते हैं, तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना करी, हे माँ आप मुझे यहाँ दर्शन दें और मेरी प्यास बुझाएं। वहां भी गालब ऋषि के संकल्प से गंगा प्रकट हुई, उस गंगा का नाम है नलकेश्वर गंगा, जो तिगरा के पास में है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास में। ऐसे ये बड़े बड़े महात्मा ऋषियों ने गंगाओं को प्रकट किया है और एक गंगा नगला बलुआ में, नगला बलुआ में, यही है ना नगला बलुआ। हाँ, 550 साल पहले जो तुलसी ने प्रकट करी और हजारों साल पहले भोले बाबा ने प्रकट करी और वो ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते मिलते मुझे प्राप्त हुई, और यहाँ के लोग जो मेरे यजमान बने हैं ये ढूंढते ढूंढते इस गंगा को नगला बलुआ में ले आए, ये गंगा नगला बलुआ में बह रही है और इसमें लोग स्नान कर रहे हैं। वो जो गंगाएं हैं वो तन पवित्र करती हैं और ये जो गंगा है ये बोलो बोलो मन पवित्र करती है, और मन यदि पवित्र नहीं है तो तन कितना भी पवित्र हो फायदा होने वाला नहीं है, और मन शरीर कैसा भी बना रहे, तन कैसा भी बना रहे, मन यदि पवित्र हो गया तो परमात्मा हमारे पास आएगा। क्यों? देर क्यों कर दे भाई, तैयार रहो। मानो तुम्हें गंगा बाबू,
से अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा तरे, हमारे पुरखा तरे, तर रहे हैं और तरते बोलो बोलो रहेंगे। और इस गंगा को लेकर के आप एलसीडी में देखें, एलसीडियों में भी निगाह डालें आप इस गंगा को, कथा की गंगा को लेकर के। ये मेरे यजमान नगला बलुआ में आ रहे हैं और यहाँ कथा बह रही है, ये गंगा बह रही है। एक बार भाव से मेरे साथ तालियों में सहयोग करेंगे मेरी तरह, जय भोले। परसेंट लोग बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं, 5% मो जैसे आलसी हैं, कुछ यूं कि यहीं कि यहीं लगे हैं। कितना वजन पर रह गए, भाव से ऊपर हाथ करें, भाव से बजाएं, बोलो जय भोले। करो हमारे हाथ नीचे आ जाए, तुम्हें तो फिर लगे ही रहे, तो हमारे साथ साथ चलो, कदम से कदम मिला के, हमारे ऊपर तो ऊपर और नीचे तो है? और मेरे साथ बोला भी करो, हरि बोल है ना, जय भोले, हे हरि, हाँ जय भोले। मानो तुम्हें गंगा
अनसुईया ने इस गंगा को चित्रकूट में प्रकट किया। चित्रकूट ऐसा मत समझना कि वो जो इलाहाबाद के पास में है, ना ना ना, जहां ये मंदाकिनी बहती है वहीं चित्रकूट बन जाता है। ये नगला बलुआ में बह रही है तो ये नगला बलुआ और तरह का लग रहा है ना अभी दो दिन से, और जब तक ये बहेगी तब तक और ही तरह का लगेगा। इसकी शोभा, इसमें जो अलग आनंद है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह वन, श्री रघुवीर विहार। आकुति देवहूति प्रसूति, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ और दक्ष के कन्या हुई सती, जिसका विवाह देवों के देव। वाह वाह, तुम्हें तो ऐसे लग रहे हैं ट्रेनिंग पहले से तुम्हें लगी लगाई हो है? देवों के देव। हाँ, सती की उनके साथ ज्यादा बनी नहीं, बड़े बाप की बेटी थी, आखिर विरोध हो गया तो उन्होंने अपने शरीर को पिता के यहाँ यज्ञ में भस्म कर दिया, फिर पर्वत के यहाँ जन्म लिया हिमाचल के यहाँ, इसलिए पार्वती कहलाई। फिर साधना करी, फिर भगवान शिव को पाया, फिर दोबारा से उन्होंने राम कथा शंकर भगवान से सुनी। पहले भगवान ने जबरदस्ती सुनाई लेकिन सुनी नहीं, फिर स्वयं प्रार्थना करी तब समझ में आई। ये मनु की जो तीन कन्याएं थी उनकी वंश की मैंने चर्चा करी। दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जो थे उनके दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि जो थी वह छोटी रानी थी, उसका शासन ज्यादा चलता था, और जो सुनीति थी वो सीधी सादी भक्त थी। एक दिन जो सुनीति का बेटा ध्रुव गद्दी पर बैठे राजा की गोद में जा रहा था, सुरुचि ने पकड़ के खींच लिया और कहा, अगर मेरी कोख से पैदा हो जब तू गद्दी पर बैठेगा। माँ के पास पहुंचा रोते रोते, माँ मैं अपने बाप की गोदी में नहीं बैठ सकता क्या? बोले, बेटा तेरी माँ के दिन अब ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए इस समय तेरा कोई साथ नहीं देगा। माँ मुझे क्या करना चाहिए? बोले, बेटा साधना कर, तपस्या कर और अपनी मौसी को प्रणाम करके आगे रास्ते पर बढ़ना, और जब साधना में तू सफल हो जाएगा तो सारा संसार तुझे गोद में लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। तेरा पिता ही नहीं, सारी दुनिया कहेगी मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा, है माँ? बोले हाँ। ठीक है माँ, मैं साधना करने तपस्या करने जा रहा हूं, और ध्रुव ने अपनी माँ को प्रणाम किया और चलने लगा। साधकों के लिए एक प्रार्थना है, हमें साधना के मार्ग का कोई पता न हो और हम घर से भगवान की तरफ निकल पड़े तो चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। क्यों? एक बात कह दूं आपसे, मैं आगरा से चला और शिकोहाबाद में आना चाहता हूँ, और शिकोहाबाद के बाद में यहाँ नगला बलुआ आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, और मैंने आपको फोन किया कि मैं आगरा से चल दिया हूँ और मैं नगला बलुआ आना चाहता हूँ। मैंने अपने किसी भक्त, मानो ये यजमान बने, मैंने इनको ही फोन किया, मुझे रास्ता नहीं पता और इनको पता लग गया कि मेरे घर आना चाहते हैं महाराज जी, तो अब बताओ अपने घर का रास्ता बताने के लिए और मुझे बुलाने के लिए ये व्याकुल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो, हो जाएंगे। अब ये साधारण जीव हैं, मनुष्य हैं,
लेकिन इन्हें पता चल जाए कि मेरे घर आने वाला व्यक्ति है, कहीं भटक न जाए। जब ये इतने व्याकुल हो जाते हैं और कोई भगवान की तरफ जाने वाला हो और भगवान को पता लग जाए कि भगवान हम तो गए बीते हैं, का जो रास्ता दिखाने नहीं आएंगे और हमें बुलाने के लिए नहीं आएंगे। बोलो बोलो, अरे हम तो केवल चल पड़े, भगवान को पता लग जाएगा, वो अपने आप रास्ता दिखाने वाले भेज देगा, बुलाने वाले भेजेगा, रक्षा करने वाले भेजेगा। यदि मैं बहुत लेट हूं, रात्रि का समय हो गया, रात्रि के 2 बजे हैं या 12 बजे हैं, तो आप लोग मेरी सुरक्षा के लिए भी भेजोगे, चलो भाई रात है, हम 4-6 आदमी भेज देते। तो भगवान हमसे भी गया बीता है क्या? इसलिए कभी चिंता मत करना, भगवान के रास्ते पे चलना हो तो चल पड़ना, वो अपने आप व्यवस्था करेगा। भगवान को पता लगा कि मेरे रास्ते पे चल पड़ा है ध्रुव, उन्होंने नारद जी को खबर की कि जाओ उसको मंत्र दो, उसे संभालो और उसकी सुरक्षा करो, उसे इसमें गुरु की जरूरत है। बस नारद जी आए, मंत्र दिया और तपस्या की ध्रुव जी महाराज ने, और मां ने आशीर्वाद दिया। संग में दुआ।
कृष्ण भगवान की जय। आज व्यवस्था के कारण कथा थोड़ी लेट शुरू हुई, तो कथा को थोड़ी लेट तक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो 4 बजे तक का समय था, 4:30-5 तक या 5 तक खींच लेंगे, ठीक है। अब 5 मिनट का 10 मिनट का विश्राम कर लो, पानी वगैरह पियो और फिर बैठो, ठीक है।